ये जो नदी किनारे पहाड़ियों से घिरा हुआ स्थान है, यहाँ पर मतलब स्वयं मतलब उन्होंने मंदिर की स्थापना की, मंदिर की स्थापना करी थी, जिससे बाद में फिर उनकी मूर्ति खुद की लगाई गई, वो बाद में लगाई गई होगी निश्चित तौर पर। वो तो जब निर्माण हो गया महाराज जी का उसके बाद के, लेकिन जो वहाँ मूर्तियां हैं बजरंग बली की हैं, राम सीता की है, शंकर जी के पूरे परिवार की है, या वैष्णो देवी दुर्गा जी की है, विंध्यवासिनी की है, ये सब बाबा जी के टाइम की है? नहीं, वो जो तीन मंदिर है ना, हाँ, वो बाबा जी के टाइम के है, और वो जो कमरा कुटी है जहाँ पर तखत रखा हुआ अंदर, हाँ, वहाँ वो बैठते थे, हाँ वहाँ बैठते थे, वो स्ट्रक्चर था पहले, उसके बाद फिर ये चेंजेस वगैरह आए हैं काफी। WHO से जुड़े एक अधिकारी की बात भी होती है, सामने आती है, वो क्या है? एक अंग्रेज भक्त थे बाबा के, जिनका नाम लैरी ब्रिलियंट था, वो उनकी कहानी बड़ी रोचक है कि वो इंडिया आए जी, इंडिया आने के बाद वो नेपाल चले गए, नेपाल में उन्होंने हिप्पी बन गए, LSD वगैरह ये सब का सेवन करने लगे, फिर जब पैसे वैसे पूरे खत्म हो गए उनके पास, जब खाने तक के लाले पड़ गए, तो वो वापस नैनीताल आए, तो वहाँ उनको महाराज जी के विषय में पता लगा। तो महाराज जी का ऐसा रहता था कि हर आदमी अपनी समस्या नहीं पूछ सकता था, महाराज जी तखत पर बैठ जाते थे और भक्त लोग नीचे बैठे रहते थे, जिसपे महाराज जी का वो आता था मन, उससे बात करते थे। तो ऐसे ही ये भी बैठ गए आके, तो एक इंटरप्रेटेटर को बुला के बोलते हैं कि तुम्हारी जेब में क्या है, इसको बोलो निकाले, क्या है इसकी जेब में? उसकी जेब में LSD की डिब्बी थी, जिसमें 4-5 कैप्सूल रखे थे LSD के। तो वो एकदम दंग रह गया, उसने सोचा कि महाराज जी को कैसे मालूम पड़ गया है कि मेरी जेब में LSD है। बोले नहीं, ला ला लाओ, लेके आओ। लेके आए, उन्होंने चारों गोलियां जो है उसी तुरंत खा ली बैठे बैठे। तो लैरी ब्रिलियंट अपनी किताब में लिखता है, एक बहुत सुंदर किताब लिखी है उसने महाराज जी के ऊपर, तो वो लिखता है कि ये बुजुर्ग आदमी अब ज्यादा देर जिंदा नहीं बचेगा, और अब देखते हैं कितना समय लगता है, एक एक गोली खाने से ही आदमी बेहोश हो जाता है, पर ऐसा नहीं हुआ। महाराज जी वहां 5 घंटे तक बैठे रहे। फिर लैरी ब्रिलियंट की मैसेज भी थी उसके साथ, तो उसका अंग्रेजी नाम था तो उसका नाम बदल दिया, उसका नाम गिरिजा रख दिया, और उस समय से वो महाराज जी का बहुत बड़ा भक्त बन गया। रामदास नाम जो आया, हाँ, वो नाम रामदास भी एक अंग्रेज थे जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, वो इंडिया घूमने आए, वो आके यहाँ नैनीताल में होटल में रुके थे, तो उनकी मदर की डेथ हो गई थी 1-2 महीने पहले, तो बहुत दुखी मन से वो रात को बैठ जाते थे और आसमान में तारे देखा करते थे। उनका ये सोच था कि मैं अपनी माँ को तारों में देखूंगा। अब ईसाई धर्म में यही होता है कि आदमी ऊपर चला जाता है तो तारों का रूप ले लेता है। तो बैठे हुए थे, तो इनको बताया किसी ने कि बाबा नीम करोली बहुत बड़े संत हैं, उनसे आप जरूर मिलिएगा। तो वो कैंची धाम आए, तो जैसे ही इनके सामने आए, इन्होंने कहा कि क्यों तू अपनी माँ को तारों में ढूंढता है? तो ये एकदम बहुत चक्के हो गए। फिर इनका पूर्व जन्म का पूरा बता दिया कि क्या क्या हो चुका है उसके साथ, उसकी मिसेज कैसी थी, बच्चे कैसे थे, क्या। तो वो रामदास अनन्य भक्त बन गए, उन्हें नौकरी छोड़ के आ गए, और फिर उन्होंने महाराज जी का प्रसार प्रसार पूरे अमेरिका में किया, और अमेरिका में एक बहुत बड़ा मंदिर भी बनाया है महाराज जी का, बहुत सुंदर आश्रम भी है। पर महाराज जी बाहर नहीं गए, बाहर नहीं गए, वो देश में, भारत में ही रहे, और भारत समय उन्होंने कैची धाम में,
कैसे वो बात जो थोड़ी सी रामदास के पहले आप हम कर रहे थे WHO वाले, वो उनकी पूरी थी बात अधूरी रह गई थी। उनका फिर क्या हुआ कि एक दिन उनसे बोलते हैं कि तू डॉक्टर है तो हमारे देश से बड़ी माता को भगा दे, चिकन पॉक्स की बात नहीं, स्मॉल पॉक्स, तो भगा दे बोला, और तू जा दिल्ली में WHO में जाओ। तो वो इनके कहने से महाराज जी के गए, हालांकि ये डॉक्टर थे ऑलरेडी, तो वहां पर इनको किसी ने पूछा ही नहीं, तो ये लौट के आ गए महाराज जी से, बोले महाराज आपने तो भेज दिया, वहां कोई नौकरी नहीं दे रहा है मुझे। तो फिर बहुत नाराज हो गए उसके ऊपर, बोले अब जा तू, अब देख। फिर दोबारा भेजा तो अब तो कृपा थी महाराज जी की, तो उसको नौकरी मिली और इंडिया का उसको इंचार्ज बनाया स्मॉल पॉक्स एरेडिकेशन का। फिर उसने पूरा ये काम किया, 73 में करीब डेथ हो गई महाराज जी की, उसके बाद से 75 में एरेडिकेशन हो पाया था। तो वो तो महान भक्त है बाबा का, अभी वो गूगल में हेल्थ डिवीजन का हेड है। हाँ, किताबें भी लिखी हैं उन्होंने काफी महाराज जी के ऊपर। कंबल ओढ़ते थे बाबा। हाँ। आज भी मंदिर में जाओ तो वहाँ जो भी प्रसाद ले जाना है वो खुद चढ़ाओ, खुद ले जाओ, कोई दान दक्षिणा की बात नहीं होती है, शांति है, स्वच्छता है। लेकिन कंबल ओढ़ते थे, कंबल की कहानी क्या है वो पूरी? जहाँ बैठते हैं बैठते थे तखत पे, वहाँ भी कंबल था, वो कंबल ही ओढ़ते थे, वो सिर्फ वहाँ के मौसम के वजह थी या कुछ और भी? वो स्वभाव कह सकते हैं अपन, ऐसा कुछ विशेष कंबल का कुछ था नहीं, पर वो ठंड में कंबल ओढ़ लेते थे और गर्मियों में कुर्ता और धोती पहनते थे, और कभी कभी गर्मियों में कुर्ता भी उतार दिया करते थे, पर उन्हें कंबल से बहुत लगाव था, बांटते थे लोगों को कंबल। तो आज वहाँ पर कंबल ही चढ़ाया जाता है। वो बांटते बहुत एक, एक, एक स्थान और है कैंची धाम के पास में जो बजरंगबली का स्थान है, और जहाँ पर उन्होंने विवेकानंद आए थे उसके पास भी कैंची धाम से जुड़ी कुछ किस्से कहानी है, वो क्या है? ये कांकरी घाट एक जगह है, 10 किलोमीटर आगे है कैंची आश्रम से, वहाँ महाराज जी जाया करते थे कैंची आश्रम से, और घंटों वहाँ पे बिताया करते थे। वहाँ बरगद का पेड़ है, बजरंगबली की मूर्ति है, कुछ समाधि भी है। इनके पहले भी जिनकी ये पूजा करते थे कोई बाबा वहाँ पर भी थे? वो कौन थे? एक सोमवारी बाबा हुए थे वहाँ पर, सोमवारी बाबा भी बिल्कुल महाराज जी के स्वभाव जैसे ही व्यक्ति थे, तो महाराज जी वहाँ जाके 4-6 घंटे रुका करते थे। और कांकरी घाट बड़ा रमणीक स्थल था और इसकी ऐतिहासिक मान्यता रही है। क्या ऐतिहासिक मान्यता? यहाँ पर ये अपना बताते हैं कि ये आए थे विवेकानंद आए थे, और एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है वो आज भी है, और उसके वहाँ बैठ के उन्होंने ध्यान किया था। अभी भी वो स्थान काफी सिद्ध है, लोग बाग आते हैं वहाँ। और वो जो बजरंगबली का मंदिर है नैनीताल के पास में, वहाँ पर हनुमानगढ़ी, हाँ हनुमानगढ़ी का बाबा जी का आना जाना था। था शुरुआत में, पहले हनुमानगढ़ी मंदिर बना था, कैंची धाम बाद में बना है। हनुमानगढ़ी एक हॉल है, वहाँ आराम से शांति में बैठो, बहुत सुंदर भी है, बहुत सुंदर जगह है। एक्चुअली उसकी भी एक कहानी है। एक आपने देखा होगा जाएंगे तो, कि मंदिर पर खड़े हो तो सामने एक ऑब्जर्वेटरी दिखाई देती है, नैनीताल की मौसम विभाग की ऑब्जर्वेटरी है। तो महाराज जी अक्सर जंगलों में ज्यादा उन्हें अच्छा लगता था, एकांत प्रिय थे, तो ये हनुमानगढ़ी ऑब्जर्वेटरी जाया करते थे वहाँ जंगल वंगल में। वहाँ उन्होंने देखा कि एक जगह ऐसी है जहाँ पर लोग बाग नहीं जाते हैं, डरते हैं। वहाँ पर क्या था कि उस जगह पर बच्चों के शवों को दफनाया जाता था, तो बहुत भयभीत रहते थे लोग। तो महाराज जी फिर वहाँ बैठने लगे,
फिर उन्होंने वहां पर हनुमान जी का विशाल प्रतिमा लगा के फिर वह मंदिर की स्थापना करे। आज तो वो मंदिर बहुत सिद्ध मंदिर है हनुमान जी का। जो लोग कैंची धाम जाते हैं वो हम हनुमानगढ़ी जरूर हाँ जरूर जाते हैं हनुमानगढ़ी। और वृंदावन से कनेक्शन क्या है, जैसे वृंदावन लगातार आप भी वहाँ मौजूद रहते हैं, भंडारे होते हैं, वहाँ पर समाधि ली थी बाबा जी ने? हाँ, नीम करौली के बाद में उनने जो पहला आश्रम बनाया वो था वृंदावन आश्रम। वृंदावन आश्रम अपना किसी राजस्थान के सेठ द्वारा निर्मित किया गया। वृंदावन की बात कर रहे हैं? हाँ, वृंदावन की बात कर रहे हैं। वहाँ पर एक बजरंगबली की मूर्ति है। हाँ। बाबा जी की भी मूर्ति है और एक हॉल है जहाँ पर उनकी फोटो है। शांति से दो तीन मिनट आदमी को वहाँ पे बैठने की इजाजत होती है। हाँ, तो ये वृंदावन का कनेक्शन क्या, जो आपने बताया कि पहले वृंदावन था? नहीं, पहले नीम करौली की था, वहाँ पर इन्होंने तपस्या करी। पहले हनुमानगढ़ी फिर नीम करौली? नहीं, पहले नीम करौली तपस्या करी। हाँ, जो स्थान, फिर उसके बाद में ये आए तो इनने वृंदावन में आश्रम बनाया। ठीक है। बनाते तो खैर नहीं थे। हाँ। ये तो सेठ लोग आ जाते थे। हाँ। जैसे अपने डालमिया हैं, जयपुरिया हैं, आपके ये घनश्याम जी डी बिरला जो थे, महाराज जी के परम भक्त थे, उनके द्वारा बनाए गए हैं दो चार आश्रम जो हैं। तो पहले ये बनाया गया, फिर उसके बाद में फिर लखनऊ आश्रम बनाया गया, फिर उसके बाद में पनकी पे आश्रम है कानपुर में, आगरा के पास भी है, आगरा के अलीगढ़ में है, आगरा के पास हमारे गांव में तो हम लोगों ने ही मंदिर बनाया हनुमान जी का, और महाराज जी का विग्रह भी उसमें स्थापित किया है, और चूंकि वो जन्म स्थल ही है महाराज के, तो वहाँ जरूर होना चाहिए सब। और जो विदेशों में धूम मचा रखी है, सोशल मीडिया पर उनका जिक्र है, हमेशा आ रही है वो तस्वीरें, लोग उनके भक्त, ये विदेशों में जो बात अभी आप बता रहे थे कि अमेरिका हो, जर्मनी हो, ये कैसे और कहाँ कहाँ मंदिर है इनका? ऑस्ट्रेलिया में आश्रम है, जर्मनी में आश्रम है, और अमेरिका में आश्रम है। कोई ट्रस्ट काम कर रहा है या स्वतः? नहीं, अपना उन्हीं द्वारा, अंग्रेजों द्वारा ही ट्रस्ट बनाए हैं और वही ट्रस्ट इनको चला रहे हैं। अच्छा, एक इनकी महाराज जी की बहुत विशेषता थी जी, कि ये इनका कहना था कि मेरे सारे आश्रमों में कोई पैसा नहीं मांगेगा किसी से। वो दिख रहा है, किसी से पैसा नहीं मांगोगे, ये उनने सख्त निर्देश रहते थे। और प्रचार प्रसार से भी? और प्रचार प्रसार नहीं करोगे मेरा, उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं गए वो, नहीं तो चाहते तो पूरे भारत में भ्रमण करते। लेकिन आप तो भोपाल में रह रहे हैं, तीसरी पीढ़ी है। हाँ। उनके पौत्र हैं, कभी भोपाल आए थे? भोपाल 1970 में मेरा मकान बना था, फादर वल्लभ भवन में थे, अंडर सेक्रेटरी होम, तब 70 में महाराज जी आए थे, और 70 में उस समय मकान बने नहीं थे, जंगल था, तो 10 दिन रुके थे मेरे घर में, और ऐसा पवित्र आश्रम बन गया मेरा घर के जिसकी कोई हद नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही उनके पुत्र और आपके पिताजी का निधन हुआ है? हाँ, मेरे पिताजी अभी 1-1.5 महीना पहले डेथ हुई है, और चाचा की डेथ 5 महीने पहले हो चुकी है। तो चर्चा को विराम दें। हाँ। डॉक्टर धनंजय शर्मा जी। हाँ। हम ये जानना चाहते हैं कि आप उनके परिवार के सदस्य हैं, लेकिन अब लाखों उनके भक्त हैं, आस्था है, श्रद्धा है, ऐसा क्या था, चमत्कारी व्यक्तित्व क्यों, कि उनकी कही गई बात सही निकलती थी या वो सामने वाले के मन की बात पढ़ लेते थे और एक पूजा पाठ से ही सही लोगों को शांति मिलती है? अब मल्टी फैकल्टी उनके पास था पूरा, मतलब एक तरह से हनुमान जी उनके अंदर विराजमान थे, हनुमान जी का इष्ट प्राप्त। हाँ, लोग तो ये कहते हैं वो खुद ही हनुमान जी थे। वो आप आ रहे हैं मुझसे मिलने, उनसे मिलने, तो आपके दिमाग में क्या है वो पढ़ लेते थे, वो तक आपको बोलते थे, फिर आपका पास्ट जो है हर आदमी का जिससे बोलना हुआ उसका पास्ट पूरा 100% सच्चा बता देते थे, और फिर फ्यूचर भी बता देते थे। तो राजनेताओं का तो आना जाना खूब रहा होगा उनके धाम पर? बहुत बहुत।
शंकर दयाल शर्मा जी को राष्ट्रपति बनने से पहले ही उन्होंने कह दिया था, जब मध्य प्रदेश में उनका बहुत ही बुरा वक्त चल रहा था,